दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम ने एक बार फिर न्यूजीलैंड को बुरी तरह धो दिया। आपको बता दें, दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 90 रनों के बड़े मार्जिन से हराकर इस सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है। आपको बता दें, टीम इंडिया ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी की और 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 324 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 41 ओवरों में 234 रन पर ही ढेर हो गई। कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके। दोस्तों, आपको बता दें कि ये मैच हारने के बाद न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन ने भारतीय टीम पर एक बड़ा बयान दे डाला। दरअसल विलियमसन ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हम भारतीय टीम से इतनी बुरी तरह हारेंगे। हमने दूसरे वनडे मैच के लिए काफी मेहनत की थी, लेकिन अफसोस, ना तो हमारी बल्लेबाजी अच्छी रही और ना ही गेंदबाजी। जब भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की तो हम शुरू से ही उन पर दबाव बनाने में नाकाम रहे और भारतीय टीम के दोनों ओपनर शिखर धवन और रोहित शर्मा ने शानदार पारी खेलकर हमारे गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने भी अंत में आके काफी बढ़िया पारी खेली। उनका फॉर्म इस समय बहुत ही तगड़ा चल रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने इतनी बढ़िया पारी खेली थी और अब हमारी टीम के खिलाफ भी उनका शानदार प्रदर्शन बरकरार है। विलियमसन ने आगे कहा कि मैं तो ये मानता हूँ कि धोनी के बिना शायद भारतीय टीम कभी भी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि धोनी एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं और विकेट के पीछे भी खड़े रहकर धोनी पूरी तरह से भारतीय टीम को ये बताते रहते हैं कि मैच को कैसे और कब अपनी मुट्ठी में करना है। भारतीय टीम के पास धोनी के रूप में एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है और यही उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण भी है। इसीलिए धोनी भारतीय टीम के लिए हमेशा ही एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहने वाले हैं। दोस्तों, वैसे विलियमसन की ये बात भी काफी हद तक सही है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने हमेशा ही भारतीय टीम को मैच जिताया है और उन्होंने केवल अपने बल्ले से ही नहीं बल्कि विकेट कीपिंग करके भी कई बार पूरा मैच अपनी तरफ पलटा है। आपको बता दें, इस मैच में भी धोनी की शानदार पारी हम सभी को देखने मिली। उन्होंने कुल 33 गेंदों में 48 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और एक लंबा छक्का शामिल था। और दोस्तों, आपको बता दें, 48 रन बनाकर धोनी नाबाद रहे। तो प्लीज एमएस धोनी के लिए आप इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अब आपको बता दें कि इस मैच में भारत के एकमात्र चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भी जारी रही। कुलदीप ने इस मैच में भी 4 न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा और सभी को बता दिया कि क्यों वो विदेशी पिचों पर भी उतने ही शानदार प्रदर्शन करते हैं जितना कि अपनी धरती पर। कुलदीप विदेश में भी विकेट लेने की ताकत रखते हैं और उनके प्रदर्शन से भी ये जाहिर होता है। इस मैच में कुलदीप ने 4 विकेट लिए और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो उनके पहले कभी भी स्पिनर ने नहीं बनाया है न्यूजीलैंड में। तो चलिए देखते हैं क्या है वो रिकॉर्ड। दरअसल कुलदीप यादव ने दूसरे वनडे मैच में 10 ओवरों में 45 रन देकर 4 विकेट लिए और इससे पहले, यानी कि पहले वनडे मैच में भी कुलदीप ने न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ 4 विकेट लिए थे, यानी कि उन्होंने लगातार 2 वनडे मैचों में न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-4 विकेट लिए। और अब कुलदीप यादव ऐसे पहले स्पिनर बन गए हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड में लगातार 2 वनडे मैचों में 4-4 विकेट हासिल किए हैं। कुलदीप से पहले किसी भी स्पिनर ने यहां पर ऐसा कमाल नहीं किया था। कुलदीप ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस मैच में भारत ने 90 रनों से जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड की धरती पर वनडे क्रिकेट में रनों के मामले में ये भारत की सबसे बड़ी जीत भी रही है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि एक और बड़ा रिकॉर्ड कुलदीप ने अपने नाम किया और वो ये है कि वनडे क्रिकेट में 37 ओवरों के बाद विकेट लेने के मामले में कुलदीप यादव दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर में अब तक वनडे मैचों में 37 ओवर के बाद कुल 77 विकेट लिए हैं। हालांकि इस मामले में उनसे आगे अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान हैं, जिनके नाम 86 विकेट हैं। दोस्तों, अब जैसा कि हम सभी को पता है कि इस मैच में भारतीय टीम के दोनों ओपनर रोहित शर्मा और शिखर धवन ने भारतीय टीम के लिए काफी अच्छी पारी खेली। पहले विकेट के लिए दोनों के बीच 154 रन की शानदार साझेदारी हुई और टीम को बेहतरीन शुरुआत मिली।
वनडे क्रिकेट में रोहित और धवन के बीच 14वीं बार 100 या फिर उससे ज्यादा रन की साझेदारी हुई है। उन्होंने इस मामले में तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी को पीछे किया है, जिनके बीच 13 बार ऐसी साझेदारी हो चुकी है। वहीं रोहित ने वनडे में कोहली के साथ 15 बार 100 या फिर उससे ज्यादा की साझेदारी कर चुके हैं। दोस्तों, रोहित शर्मा ने इस मैच में अपनी टीम के लिए अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 96 गेंदों का सामना करते हुए कुल 87 रन बनाए। अपनी पारी में उन्होंने 9 चौके और 3 लंबे छक्के भी लगाए। इसके अलावा शिखर धवन ने भी इस मैच में बहुत ही शानदार पारी खेली और 67 गेंदों का सामना करते हुए कुल 66 रन बनाए। धवन ने अपनी पारी में कुल 9 चौके लगाए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं भारत की जीत के साथ ही इस मैच में 6 बड़े रिकॉर्ड भी बन गए हैं, तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो रिकॉर्ड। पहले रिकॉर्ड की बात करें तो वो ये है कि भारतीय टीम ने पहली बार 26 जनवरी को वनडे मैच में जीत दर्ज की है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भारतीय टीम गणतंत्र दिवस पर पहले T20 मैच तो जीत चुकी है, लेकिन वनडे मैच इस बार ही जीती है, तो ये एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। अब दोस्तों, दूसरे रिकॉर्ड की बात करें तो वो ये है कि भारत की रनों के लिहाज से वनडे में न्यूजीलैंड की धरती पर ये सबसे बड़ी जीत बन गई है। जी हाँ, दरअसल भारतीय टीम ने इस मैच में न्यूजीलैंड को 90 रनों के बड़े मार्जिन से हराया है और इसी के साथ न्यूजीलैंड में भारतीय टीम की ये सबसे बड़ी जीत बन गई है रनों के मामले में। अब तीसरे रिकॉर्ड की बात करें तो वो ये है कि 4 विकेट चटकाने वाले कुलदीप यादव इसके साथ ही भारत की तरफ से वनडे की एक पारी में सबसे ज़्यादा 4 बार या उससे ज़्यादा विकेट लेने वाले 5वें स्पिन गेंदबाज बन गए हैं। अब दोस्तों, चौथे रिकॉर्ड की बात करें तो वो ये है कि कुलदीप ने दूसरी बार वनडे में न्यूजीलैंड की धरती पर 4 या उससे ज़्यादा विकेट लिए हैं और ऐसा करने वाले वो तीसरे भारतीय गेंदबाज बन। अब बात करें 5वें रिकॉर्ड की तो वो ये है कि शिखर धवन और रोहित शर्मा के बीच वनडे में 10वीं बार विदेशी धरती पर 100 या उससे ज़्यादा रनों की साझेदारी हुई और इसके साथ ही ये दोनों सर्वाधिक दूसरी बार ये कारनामा करने वाले दूसरे भारतीय जोड़ी बन गई है। अब दोस्तों, बात करें 6वें और आखिरी रिकॉर्ड की तो वो ये है कि 14वीं बार रोहित और धवन के बीच वनडे में 100 या उससे ज़्यादा रनों की साझेदारी हुई और इसके साथ ही ये जोड़ी सबसे ज़्यादा बार ये कारनामा करने वाली तीसरी भारतीय जोड़ी बन गई है। तो दोस्तों, ये तो थे वो 6 बड़े रिकॉर्ड जो कि इस मैच में बने हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित शर्मा के 87 रनों की बदौलत उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया और रोहित ने अवार्ड लेने के बाद अपने बयान में कहा कि हमने भी काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड की टीम ने भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इससे भी ज़रूरी चीज़ ये है कि हमने ये मैच भी जीत लिया। हमें नहीं पता था कि यहाँ की पिच कैसी होगी। पिछली बार जब श्रीलंका और न्यूजीलैंड यहाँ खेले थे तो ये एक बहुत ही बड़े स्कोर का गेम था। जब हमने 324 का स्कोर किया तब हमने सोचा कि ये बराबरी का मुकाबला होगा, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और इस जीत का क्रेडिट उन्हें ही जाता है। दोस्तों, रोहित ने आगे कहा कि मैं जब क्रीज पर आया तो ये सोचकर आया था कि आज मुझे अपनी टीम के लिए बहुत ही बड़ी पारी खेलनी है और मैं खुश हूँ कि मैं ऐसा करने में सफल भी रहा। हालांकि मुझे इस बात का दुख भी है कि मैं शतक बनाने से चूक गया, लेकिन फिर भी मैंने जितना खेला अपनी टीम के लिए ही खेला है और वो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, अब सीरीज का तीसरा वनडे मैच 28 जनवरी को इसी मैदान पर खेला जाना है और यहाँ पर भारतीय टीम के जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि इसी मैदान पर आज भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को कितनी बुरी तरह धोया और अब भारतीय टीम को ये वनडे सीरीज जीतने के लिए मात्र एक जीत की और ज़रूरत है और हम सभी को पूरा विश्वास है कि वो भी अगले ही मैच में पूरी हो जाएगी, क्योंकि भारतीय टीम का फॉर्म इस समय बहुत ही शानदार चल रहा है और दूसरी तरफ बात करें न्यूजीलैंड की टीम की तो उसका फॉर्म बद से बदतर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ख़राब फॉर्म चल रहा है इसका। हम सभी ने कभी नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड की टीम इतनी कमज़ोर निकलेगी। तो अब देखते हैं कि तीसरे वनडे मैच में क्या होता है। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, क्या तीसरा वनडे मैच भी भारतीय टीम जीत जाएगी या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी इसे दिल से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। कम से कम दोस्तों लाइक तो कर ही देना अगर आप भारतीय टीम के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं और भारतीय टीम को सपोर्ट भी करते हैं। और क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए भी हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसे भी ध्यान से दबा दीजिए, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोस डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। और दोस्तों एक और ज़रूरी बात कि अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स मिलने वाली हैं। इसीलिए अभी हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए। बाय बाय।